नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप जुड़ चुके हैं अपना लाइव डॉट न्यूज से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, पटना में आई भीषण जल आपदा से जहां आम नागरिक का जल जीवन अस्त व्यस्त है, जीना दुर्लभ हो चुका है, वहीं व्यवसायी वर्ग को भी इस आपदा से हुए काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अपना लाइव न्यूज की टीम ने राजेंद्र नगर स्थित जय पब्लिकेशन के गोदाम में घुसे पानी के कारण हुई लाखों की पुस्तकें की क्षतिग्रस्त हो जाने से उसका निरीक्षण किया। यह सारी पुस्तकें मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए गेज पेपर था, जिसकी क्षतिपूर्ति भी कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जय पब्लिकेशन के संचालक आनंद राज जी, जिन्होंने बड़े हौसले के साथ बैंक से ऋण लेकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करने का दृढ़ निश्चय कर शिक्षा सेवा में अपनी अहम भूमिका अब तक निभाते आ रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने इनकी कमर ही तोड़कर रख दी है। दोस्तों, इस पर सरकार एवं प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार सहित शिक्षा मंत्री को इनके क्षतिपूर्ति की भरपाई कर इन्हें फिर से शिक्षा क्षेत्र में योगदान करने के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में सामाजिक विकास के क्षेत्रों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति का आत्मबल मजबूत हो सके। दोस्तों, अन्यथा इसका दुर्गामी परिणाम नकारात्मक हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार तथा समाज की बुनियादी आवश्यकता है। इसके बिना कुशल समाज के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। विपदा की इस घड़ी में अपना लाइव न्यूज परिवार सरकार से अपील करते हुए शिक्षा मंत्री का ध्यान जय पब्लिकेशन के हुए क्षति की ओर आकृष्ट कराना चाहती है कि इनकी क्षतिपूर्ति किसी माध्यम से की जाए, ताकि जय पब्लिकेशन का सहयोग भविष्य में भी समाज और सरकार के साथ बना रहे, जिससे बिहार सरकार के चौतरफा विकास के साथ शैक्षणिक विकास का उत्थान होता रहे। देखिए एक रिपोर्ट। वही डर तो सबके लग रहा है। वीडियो बना रहे हैं। बनाओ, 400 घुमा कर बनाओ ना, अपने आ जाओ। चप्पल कहाँ रखली है? चप्पल ऊपर जब रख ले हूँ अपुन ना को ऊपर। हमार चप्पल। ऊपर इधर। अरे बाप रे। चल ना चलो। ए गाड़ी हटाइए, गाड़ी हटाइए, इधर आइए। ना यही पर जैसे रखा था ना, जैसे रखा था वैसे वहां पे अगर रखा जाता तब तो ठीक है। ये एगो उठा के दबा ना ऊपर, एगो ऊपर उठा ला। ये वाला चला गया ना।